तो लगता है कि यहाँ राष्ट्रीय राजनीति में आएंगी ही, पक्का आएंगी, देर होगा भले, लेकिन नई नई दुल्हन आई है, देखो लाए तो बहू को भी लाएंगे, काफी ज्यादा नहीं करेंगे, पार्टी का जो डिसीजन होगा वही काम करेंगे। मुख्यमंत्री तो बनने लायक नहीं है, उनके नमस्कार, मैं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं हमारे साथ ट्रेंडिंग बिहार। हम यहाँ गांधी मैदान में खड़े हैं और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की बीवी राजश्री के बारे में बात करने आए हैं। लोगों का यह कहना है कि क्या राजश्री को भी पॉलिटिक्स में उतारा जाएगा, तो आइए हम जानते हैं इन लोगों से उन्हें उतारा जाएगा या नहीं। लालू प्रसाद यादव अपनी छोटी बहू को राजनीति में लाएंगे? हाँ लाएंगे। कि आप उन्हें किस रूप में देखना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक या उप मुख्यमंत्री के रूप में? अभी तो विधायक के रूप में देखेंगे। जरूर लाएंगे, उनको तो लाना है ही है, जब अपने बेटे को लाए तो बहू को भी लाएंगे। मीसा यादव तो एक बार विधायक है, दो बार लड़ चुकी है, दोनों बार हार चुकी है, तो उसमें बारे में क्या, फिर इस बार लड़ेंगे। तो सर क्या वो अपनी छोटी बहू को राजनीति में लाएंगे तो आप उन्हें किस रूप में देखना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल विधायक के रूप में, क्योंकि उतना मैच्योर है नहीं कि वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सके। लाने का तो संभावना अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, मगर संभावना व्यक्त है कि लाएंगे। तो सर वो लाएंगे तो राजनीति में उन्हें क्यों लाएंगे, आपकी कोई विचार? तो वहाँ जो पार्टी का जो डिसीजन होगा ना, उसी के अनुकूल काम करेंगे। आप उन्हें किस रूप में देखना चाहेंगे? वो तो पार्टी डिसीजन करेगी ना कि हाँ किस जगह पर इनको शूट करेगा, किस जगह पर रखा जाएगा, कैसे किया जाएगा। सर क्या आपको लगता है कि वो अपनी छोटी बहू राजश्री को भी पॉलिटिक्स में उतारेंगे? फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अभी तो नहीं संभावना लग रहा है। पद के बारे में तो आगे पार्टी कार्यकर्ता के रूप में ही ना काम करेगी, उसके बाद फिर अपना पद कुछ ना कुछ तो संभालेंगे। हाँ सर, तो वो तो कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे ही, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे उन्होंने अपने छोटे बेटे को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में उतारा था, वैसे ही वो अपनी छोटी बहू राजश्री को किस रूप में उतारेंगे? अभी तो पार्टी में काम करेंगे, उसके अनुसार फिर उतारा जाएगा। अब किस तरह से उतारती हैं वो तो उनके ऊपर ना है, लालू जी के ऊपर है ना, हम लोग क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो सर जनता भी तो उन्हें किसी रूप में देखना चाहती होगी ना। अब इसके बारे में तो भविष्य में ही बात किया जा सकता है, अभी तत्काल तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किस पद पर उतारेंगे। तो सर फिलहाल क्या आपको समझ में आ रहा है उनकी छोटी बहू को लेकर के, कि वह अभी क्या कर सकती हैं, क्या वह राजनीति में आ सकती हैं? अभी तत्काल सहयोग करेंगी ऐसा ही लग रहा है, पार्टी में कुछ पद मिलेगा उनको लग रहा है ऐसा, जिस हिसाब से रोज मिल जुल रही है जनता से, उसे लग रहा है कि पार्टी में धीरे धीरे पहचान बनाएंगे, उसके बाद अपना कुछ पद उनको मिलेगा लालू जी की तरफ से। मतलब सर ये लग रहा है कि वह पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार हैं, इसीलिए वह जनता लोग से मिलजुल रही हैं। हाँ ये तो पक्का है कि इसी के चलते वो मिल ही रही हैं, इसी के चलते मिल रही हैं, नहीं तो फिर किस लिए मिलती जनता लोग से, बड़ी बहू उनकी कहाँ मिलती थी किसी से। तो मतलब ये आपको लगता है कि हाँ राजश्री राजनीति में आएंगी ही? पक्का आएंगी, देर होगा भले लेकिन आएंगी। जब उनके पति ही अगर अगला सीएम के रूप में लोग कर रहा है, माने विचार कर रहा है, लोग तो सीएम बना ही दिया था, लेकिन अब जिस हिसाब से लोकतंत्र इंडिया में चल रहा है उसके हिसाब से उनको पद से छीना गया। सर क्या लालू प्रसाद यादव अपनी छोटी बहू राजश्री को भी राजनीति में उतारेंगे? उनका पूरा प्रयास है, एक जैसे बेटी को लाए हैं और उसी अपनी छोटी बहू को लाना चाह रहे हैं कि राजनीतिक मेरा पूरा चलता रहे, पूरा पूरी जनरेशन हमारा राजनीतिक में ही रहे, इसलिए वो चाहते कि हम राजनीतिक में लाएँ। लेकिन अब टिकट भी कहाँ से देंगे ये हम नहीं जान रहे, नहीं टिकट के प्रयास में हैं। अभी लालू प्रसाद दिल्ली में है, पटना में तो है नहीं, दिल्ली चाहेंगे अपना प्रयास करेंगे वो, और उनके जो पति हैं वो देखिए क्या करते हैं। तो सर उनके पति को तो मुख्यमंत्री के रूप में उतारा गया था, तो आप उनकी जो छोटी बहू है उनको किस रूप में देखना चाहेंगे? देखिए अभी तो मुख्यमंत्री तो बनने लायक नहीं है, उनके पति ही बने मुख्यमंत्री, लेकिन वो अभी कुछ ये राजनीतिक में कुछ पोस्ट लेकर चलेंगे, वो तब मुख्यमंत्री के लायक बनेंगे, कुछ सीखेंगे तब ना। अभी तो अभी जानते नहीं है, कुछ नेता पर जानती नहीं है तो कैसे बन जाएंगे मुख्यमंत्री या कुछ, अभी सीखना पड़ेगा, बहुत परिपक्व होना पड़ेगा। धर्म सिद्ध अधिकार है उनको, उन लोग की पारिवारिक जो संस्था चल रही है, जो उनका पार्टी है,
वो सब परिवार में राजनीतिक में उतरेंगे, तो वो बनना चाहती हैं कुछ, इलेक्शन में आकर जीत कर कुछ बनना चाहती हैं, ये सही बात है। ये सवाल तो काफ़ी दिलचस्प वाली बात है, लेकिन उनकी फैरिस सारी फैमिली इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो हमको लगता है कि एक बार उनको चांस जरूर देंगे। तो सर उनको एक बार चांस देनी चाहिए, तो आप उन्हें किस रूप में देखना चाहेंगे? अभी नई नई दुल्हन आई है और लोगों को ऐसा नहीं लग रहा हो कि अभी ये छोटी बहू ऐसा काम, मतलब कि जनता के बीच में आके कार्यकर्ता इस मुख्यमंत्री पद पर या कोई भी पद पर लेकर कर पाएगी, इसलिए कभी बहुत उनको समय लगेगा राजनीतिक सीखने में और राजनीतिक को समझने में।